आजमगढ़ के जाफरपुर कासियामा आवास में रह रही 11 वर्षीय प्रिंस चौरसिया की दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है। आपको बता दें कि एक न्यूज के माध्यम से प्रखर समाज सेवा समिति के सदस्यों को पता लगा कि आजमगढ़ में एक 11 वर्षीय बालक जिसका दोनों किडनी लगभग 50% डैमेज हो चुका है, उस बच्चे का इलाज एम्स में चल रहा है। परिवार वालों को पैसे का काफी अभाव है, जिससे वो जनता द्वारा एवं समाज सेवी संस्थाओं की मदद से अपने बच्चे का इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती थी, पैसों के अभाव से स्कूल से नाम काट दिया गया और निकाल दिया गया। आज वार्ता में समिति प्रबंधक ने स्कूल को निशाना साधते हुए सभी स्कूल संचालकों से निवेदन किए कि आप लोग किसी की मजबूरी को समझिए, पैसा तो बहुत कमा लेंगे, थोड़ा मान सम्मान इज्जत भी कमा लीजिए। साहब का घोर निंदा करते हुए कहा कि मेरी समिति बच्चों को पढ़ाएगी और उसके लक्ष्य तक मेरी समिति सहयोग करेगी। इस क्रम में प्रदेश अध्यक्ष सुमन सिंह एवं प्रदेश उपाध्यक्ष लता सिंह ने परिवारजनों को आश्वासन देकर बोला कि आप हॉस्पिटल जाकर बच्चों की पूरी खर्चा का डिटेल्स बनवाकर हमको बताइए, हम मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात को रखने का काम करेंगे और आपको उचित मदद करवाया जाएगा। जिलाध्यक्ष निक्कू जायसवाल एवं जिला उपाध्यक्ष विशाल रावत ने बताया कि हम सब परिवार वालों के साथ खड़े हैं, परिवारजनों को किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो हमें याद करें। और उन्होंने न्यूज चैनल के माध्यम से आजमगढ़ के नेताजी एवं सांसद जी से निवेदन किए कि आप लोग बच्चों के इलाज हेतु कदम बढ़ाएं, आखिर आप लोग कब सहयोग करेंगे। इसमें राजवंत सिंह, सुमन सिंह, लता सिंह, फुरकान खान, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र रामजीत सिंह, निक्कू जायसवाल, विशाल रावत, फहद खान, परवेज आलम, हर्ष श्रीवास्तव, आदर्श उपलक्की आदि उपस्थित रहे। राजवंत सिंह, प्रबंधक प्रखर सामाजिक सेवा समिति। देखिए, हमें सूचना मिली कि जाफरपुर काशीराम आवास में एक बच्चा है जिसकी दोनों किडनी खराब है। परिवार अपना सब कुछ बेच करके जो है काशीराम आवास में आया, इस स्थिति पर आ गया है परिवार। तो हम लोगों ने प्रखर सामाजिक सेवा समिति की तरफ से संगठन के समस्त लोग मिल करके आज हम लोग यहाँ पर आए और आर्थिक मदद हमने किया है और हमने आश्वासन दिया है कि हमारा संगठन अतिशीघ्र जो है आगे और भी उनका सहयोग करता रहेगा। उनका घर वालों का आरोप है कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद नहीं की गई, क्या उस बातों को भी आप लोग जिक्र करते हैं? देखिए, सरकार सहयोग कर रही है या नहीं, इस पर हम लोग कोई भी सरकार के ऊपर हम लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनसे कहा है कि आप एम्स में इलाज करा रहे हैं, आप एम्स से इस्टीमेट बनवा करके लाइए, हम मुख्यमंत्री विवेका कोष से हम पैसा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। पैसे के अभाव के कारण उनके बच्ची का एडमिशन से स्कूल से नाम काट दिया गया है। जी, नाम काट दिया गया है, प्रतिभानी केदन में थी। मैं समस्त स्कूल वालों को भी मैं आपके न्यूज़ के जरिए बताना चाहता हूँ, कम से कम आदमी के परिस्थितियों का भी आकलन करें। इस तरह का जो कार्य किया गया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, हमारा संगठन इसकी कड़ी निंदा करता है, क्योंकि सारी चीज़ें जानते हुए भी इस तरह की प्रतिक्रिया देना शायद उचित नहीं है।